हेलो। हेलो। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम सर वेलकम टू फिलो। कौन सी क्लास में हो? कैन यू प्लीज टेल मी योर क्लास? क्लास नाइन्थ। 9। ओके, क्या पढ़ रहे हो बता सकते हो मुझे? क्वेश्चन तो सर फिजिक्स का फिजिक्स है। पढ़ रहे थे। हाँ, टॉपिक मतलब यस चैप्टर सर। कौन सा एग्जैक्टली वो बता दो। सर मैं मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन था आईसीएसई ओके, का मेरा अच्छा चैप्टर। अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये इसी कहाँ पर डाउट है? ये डिस्टेंस वाले में ऊपर? सर ये फिफ्थ वाला जो है। हाँ द ओके ओके डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ। देखो, क्वेश्चन में दिया है कि द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी फ्रॉम द अर्थ इज 4.0 × 10^13 किलोमीटर ना, तो एक्सप्रेस इट इन यस लाइट ईयर। ठीक है, यस तो ओके, तो क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें यहाँ? उसकी दिक्कत आ रही है क्या? ये जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं पावर नोटेशन, पावर के फॉर्म में, हाँ सर समझ में नहीं आ रही उनको। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, समझा देते हैं। देखो ध्यान से, पहले देखो क्वेश्चन क्या दिया है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, जो हमारे लाइट पास, हाँ, ईयर। लाइट ईयर में। तो जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो कितनी दूर है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी सर फोर 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 सर पॉइंट फोर पॉइंट टू जीरो इंटू टू थर्टीन। नहीं, 4.2 तो आंसर दिया। जस्ट वेट। हाँ, 4.0, 4.0 × 10^13 13 किलोमीटर, किलोमीटर। बिल्कुल। तो ये तो हमारा दिया है। तो एक लाइट ईयर कितना होता है? 1 लाइट ईयर पता है तुम्हें? सर 1 लाइट ईयर होता है 9.46 × 10^12 किलोमीटर। हाँ, वेरी गुड, 10^12 किलोमीटर, ठीक है, वेल बिल्कुल सही। तो ये तो देखो, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर देखे देखा जाए तो 1 किलोमीटर अगर लाइट ईयर में देखा जाए, कितना? 1 किलोमीटर लाइट ईयर में, तो वो होता है 1.057। दिया हुआ डेटा ऐसा कुछ, 1.057 × 10^13। पढ़े हो ऐसा? नहीं से पढ़ा तो नहीं अभी। ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे एक होता है ना कि देखो, 1 लाइट ईयर और 1 किलोमीटर लाइट ईयर, समझ रहे हो मेरी बात? 1 लाइट ईयर और 1 किलोमीटर लाइट ईयर, तो इन दोनों में ये है, समझ रहे हो? ओके, तो 1 किलोमीटर लाइट ईयर का डिस्टेंस कितना हो रहा है? 1 किलोमीटर लाइट ईयर का कितना हो रहा है? सर 1.40405 7 × 10 हाँ, की पावर तो माइनस फिर थर्टीन 4 किलोमीटर लाइट ईयर का कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर के आसपास है ना वो, तो 4.0 × 10^10 कितना हो जाएगा? थर्टीन 10^10 कितना हो जाएगा? सर हाँ, 13 किलो, हाँ 13 हो जाएगा। हाँ, जस्ट वेट, तो 13 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा इधर? 1.057 × 10^13, समझ रहे हो? ओके सर तो देखो, तो यस ये तो कैंसिल हो जाएगा ना दोनों, सर यस सर होगा। अब 4.0, इसको हाँ। कैलकुलेटर पे जस्ट वेट, मैं कर लेता हूँ। ये आ रहा है मेरा 4.2 आ रहा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करने पे ओके 4.2 लाइट ईयर आ रहा है। सर क्लियर हुआ तुम्हें अच्छे से? अच्छे से हो गया। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर बस वो नहीं पता था ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1.057 हाँ इंटू हाँ ट्वेंटी हाँ बार वाई। ये एक्चुअली बुक्स में अंदर, चैप्टर के अंदर देखोगे तो माइट भी दिया हो, पता नहीं, दिया रहता है वैसे तो। एक बार अगर चैप्टर के अंदर देखोगे, हाँ, क्वेश्चंस में नहीं दिया रहता है जैसे, देखना रहता है। हाँ क्वेश्चंस में नहीं दिया रहता है जैसे, क्वेश्चन में कभी कभी देता है ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ऐसा साइड में कभी कभी दे देता है ना क्वेश्चन टाइम, लेकिन ये डेटा नहीं देता है कभी कभी। जैसे कभी कभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाओगे मोल कंसेप्ट का, तो दे देता है ना 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10^27 क्वेश्चन पेपर में, कई बार देता है। और ये डेटा कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है, तो इसलिए इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है ना? ओके ओके, ठीक है। और कोई डाउट होगा, तो फेवरेट टीचर में ऐड कर सकते हो और कॉल कर सकते हो वापस। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके।